बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन बीएमएस की बैठक पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के पूर्व कर्मचारियों का आभार व्यक्त करने रैली निकाली गई। बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों ने कर्मचारी हित में कार्य करने की रूपरेखा तैयार करते हुए बीएसपी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रतिनिधि यूनियन भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की बैठक सेक्टर 5 स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के पूर्व बीएमएस के पदाधिकारियों ने बीएसपी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करने रैली निकाली और कर्मचारियों को उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन दिया। साथ ही चुनावी वादों पर चरणबद्ध रूप से कार्य करने भी आश्वस्त किया। बीएसपी कर्मचारियों की मांगों को उच्च प्रबंधन तक पहुंचाकर उसका शीघ्र निराकरण करने की बातें भी कहीं। यूनियन के महामंत्री रवि सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। और जिस विश्वास के साथ आप सब लोगों ने जो है विधायक पास मजदूर संघ का साथ दिया है, हमारी यूनियन जो है उस विश्वास पर खरी उतरने का प्रयास करेगी। खास करके हमारे डिप्लोमा वाले जितने भी साथी हैं, मैं उस मांग को अब इतनी बार हमको बोल चुके हैं कि बार बार नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि जितनी भी मांग है हमारी प्राथमिकता में समझौता है, वो भी हमारी जरूरत है, उसको भी पूरा कराने के लिए पूरे दमखम के साथ प्रयास करेंगे। अभी जो आप लोग की जो जीत हुई है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे दो सदस्य जाएंगे जो है, मेरे को एक सदस्य बनाया गया था पिछले एक महीना पहले, वो केंद्रीय समिति के रूप में बनाया गया था। अभी चुनाव जीतने के बाद जो है दो सदस्य भिलाई इस्पात संयंत्र की तरफ से जाएंगे। ये सब आपने जो अपनी ताकत से जो करके दिखाया है, इसके लिए मैं हमारे उपस्थित सभी साथियों का, मेरे पास कोई शब्द नहीं आप लोग का आभार धन्यवाद देने के लिए। मैं आप सभी को जो है बहुत बहुत जो है और सम्मानित सारे सदस्यगण हमारे पास और हमारे सारे वरिष्ठ कर्मचारी और जो जवाब युवा साथी, जिस तरह इस बार यूनियन में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिस ताकत से आप लोगों ने भिलाई इस्पात मजदूर संघ का सहयोग किया, साथ दिया तन मन धन से, मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। जिस तरह आप लोगों की मेहनत से एक इतिहास रखे, आप सारे युवा और वरिष्ठ लोग इस बार पहली बार भिलाई इस्पात संघ में एक इतिहास रखे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूँ। बहरहाल कर्मचारी हित में कार्य करने बीएमएस की रणनीति तैयार हो रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने बीएमएस पर भरोसा जताकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है। बीएमएस को भी अब कर्मचारी हित में खरा उतरे जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।